हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन कुलदीप सिंह। यार, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं तो अपने मार्क्स को 5 से 10% तक इनक्रीज़ कर पा रहे होंगे, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यार, है ना। तो बढ़ते हैं यार हम उन गलतियों की तरफ जो बिल्कुल नहीं करनी और बच्चे करते रहते हैं। तो पहली गलती, जो कि बहुत बड़ी गलती है, इसे बच्चे गलती भी नहीं मानते, वो क्या होता है, फ्यूचर के बारे में सोचना। मतलब यार कि आपके आगे अब बोर्ड एग्जामिनेशन है, मान लीजिए आपका एग्जाम 10 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद है, 3 दिन बाद है, ठीक है। तो दिमाग क्या कहेगा कि भाई ये एग्जाम तो अभी पास आ गया, आप इसके आगे वाली चीज़ सुनने लग जाते हैं कि कॉलेज एडमिशन कैसे हैं, कॉलेज कैसे हैं, कैंपस कैसे हैं, मैं ये सीरीज खरीदूंगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। मतलब क्या कर रहा है आपका दिमाग कि भाई आगे जो स्ट्रगल दिख रहा है ना, ये इस स्ट्रगल को तो बंद करके जो उससे काफ़ी दूर एक स्ट्रगल है उसकी ओर आपको ले जाता है, ठीक है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, और आपके दिमाग में क्या, यार मैं टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मैं आगे की चीज़ देख रहा हूँ। यार आप आगे की देख रहे हैं लेकिन आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस चीज़ के लिए अलग एक टाइम मिल जाएगा आपको, तो आपको अभी वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए। अगर देखनी भी है तो दिन का आधा घंटा देख लो ना, 15 मिनट देख लो, इतना सफिशियंट होता है। आप पूरे पूरे दिन आगे की चीज़ देख रहे हैं, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका जो आने वाला गोल है दिमाग उससे आपको भगा रहा है, जो आपके लिए बहुत दिक्कतमंद हो सकता है, ठीक है। तो यार ट्राई करो कि इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। तो बढ़ते हैं यार हमारी दूसरी गलती के ऊपर, जो कि है कि बच्चे क्या करते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, बच्चे अपने कोर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, अगर आप लोग 12th क्लास के बच्चे हैं, और इंग्लिश हो गया या फिर और कोई सब्जेक्ट हो गया 12th क्लास के बच्चों के लिए, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट हो गए जो कि कोर सब्जेक्ट हैं, इन पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं पेपर आएंगे जब भी कर लूँगा, पेपर से पहले छुट्टियों में कर लूँगा। यार बहुत गलत है ये, बहुत गलत है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी आपको मार्क्स दिलाते हैं, आपके फाइनल मार्क्स में ये भी काउंट होते हैं, आपके रिजल्ट में नंबर को इम्प्रूव करने में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या करें, कम से कम आप इन्हें पढ़ें, इनके लिए एक टाइम निकालें। मैं ये नहीं कह रहा यार कि पूरे दिन इन सब्जेक्ट पे लग जाओ, नहीं, आप लोगों को मैथ्स करनी है, साइंस करनी है, फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, उन्हें करो, ठीक है। वो थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन ये ईजी सब्जेक्ट हैं, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स देते हैं, आपकी परसेंटेज में इनका भी पार्ट होगा। जब आपकी बोर्ड की परसेंटेज आएगी तो 5 सब्जेक्ट्स की मिलके आती है, तो यार कम से कम हम 5 सब्जेक्ट्स में अच्छे रखें ना। अगर किसी सब्जेक्ट में 85 या उससे थोड़े कम हो जाते हैं तो हम बाकी समय 95 उसके आसपास खींचे, ताकि बैलेंस जो हो वो 90 हो जाए, ठीक है। तो अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कोर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हों, इन्हें अवॉइड करना बहुत बड़ी गलती होती है यार। बढ़ते हैं यार हमारी अगली गलती की तरफ, जो क्या है कि बच्चे क्या करते हैं इस टाइम में, एंग्जाइटी फील करने लग जाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। इनकी दिक्कत क्या है कि भैया पढ़ने का तो है, आता भी है, रिवीजन भी कर रखा है, लेकिन अब पढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं, यहाँ बात कर, उससे बात कर, टाइम पास कर, पूरा दिन खराब कर रहे हैं। यार बहुत गलत है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, देखो ये ज़्यादातर सबके साथ होता है कि जब हमारे पर पेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे होते, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे होते। तो यार इस चीज़ को ओवरकम भी किया जा सकता है। करने के तरीके क्या हैं, आप लोग जैसे ही अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भाई मैं पक चुका हूँ, या फिर सोचो दिमाग ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठूँगा, थोड़ी देर घूम के आऊँगा बाहर, मोबाइल नहीं चलाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं छूना, हम लोग घूम के आएंगे, थोड़ा नेचर को देख के आएंगे, है ना, जिससे कि हमारा दिमाग शांत हो जाए। जब दिमाग शांत हो जाएगा तो आएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। अब कई बच्चे कहेंगे भैया आने के बाद भी मन नहीं करे, तो यार 1 घंटे अपने आप को कुर्सी से चिपका लो, ये ट्रायल एंड टेस्टेड तरीका है, ऐसे ही हवाओं में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रायल है, टेस्टेड है, और हकीकत में काम करती है। तो आप लोग 1 घंटे अपने आप को बिठा लें, उसके बाद आप बैठते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आप बैठ गए तो आप बैठ गए, सही है, तो ऐसा करो। अच्छा बढ़ते हैं हमारी अगली गलती की तरफ, जो भी एक मेजर मिस्टेक है, जो क्या है कि एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले बच्चे नए टॉपिक पकड़ने लग जाते हैं, बहुत गलत है यार, ठीक है। कि एग्ज़ाम के आपके 2-4 दिन बचे हुए हैं, अब आपको समझ आ रहा है अरे ये टॉपिक ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। देखो कोई टॉपिक छोटा है और वो कराया जा सकता है उतने टाइम में, तो ट्राई कर लो उसे करने की, लेकिन कोई टॉपिक बिल्कुल नया है और वो टॉपिक 15-20 दिन में सही तरीके से होता है, आप लोग इस टाइम उस पर कूद रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपके नंबरों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा वो,
ठीक है, तो एटलीस्ट ओवरव्यू लेना है ले लो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाना और जो आपके पुराने टॉपिक है उन्हें रिवाइज ना करके इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करके उन्हें ख़राब कर देना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। देखो यार, ये चीज़ जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट को सही तरीके से समझें, ठीक है, गलत ना लें। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपके पिछले टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से हैं और आप समझते हैं कि भाई मैं इस टॉपिक को इतने टाइम के अंदर बहुत आसानी से कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आसान आसान टॉपिक्स उठाएँ और कर लें, ठीक है, और पुराने टॉपिक्स को बहुत अच्छा करें। बिल्कुल अजीबोगरीब टॉपिक उठा के, ठीक है, एकदम नया टॉपिक उठा के हम लोग उसे पढ़ने बैठे हैं, तो वो केवल हमारा दिमाग खराब करेगा, मोरल डाउन करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को लो करेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्या लगने लग जाएगा, ये नहीं हो रहा, पिछला भी नहीं आता, दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ बैठ जाएगी और पेपर पे वो चीज़ इफेक्ट करेगी, ठीक है यार। तो इन सब गलतियों को बिल्कुल मत करना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। यार ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पहली बार बनाई थी वो ऐसी हो गई थी कि बच्चों को समझ ही ना आया और काफ़ी लंबी चली गई थी इसीलिए, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों का इतना काम है कि वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना है ना, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए, और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।